नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। चार का चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसमान में छाए काले बादलों को जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये वो बादल हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ये बरसेंगे या नहीं बरसेंगे कह नहीं सकते, लेकिन इस देश के भीतर में लोकतंत्र पर जो काले बादल छाए हैं, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था पर जो काले बादल लगातार मंडरा रहे हैं, क्या उसका जरा सा भी एहसास हो पा रहा है? या जो एहसास कराने वाले संस्थान हैं, उन्होंने जब खामोशी बरत ली है और खास तौर से संसद की खामोशी, सुप्रीम कोर्ट के भीतर हां ना करते हुए एक तरह की खामोशी ही है, और इस देश की राजनीतिक सत्ता भी किसी तरीके की कोई पहल करना नहीं चाह रही है, तो इन बादलों को आज कैसे पढ़ा जाए? इसीलिए चार के चक्रव्यूह में बात ये भी कर लेते हैं कि इसराइल की कंपनी ने जिस जासूसी यंत्र को बनाया और उस जासूसी यंत्र से जब फ्रांस के राष्ट्रपति की भी जासूसी हो गई, तो हंगामा इतना हो गया कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का विमान जैसे ही पेरिस में लैंड करने के लिए उतरना शुरू हुआ, वैसे ही डिफेंस अधिकारी जो इसराइल के थे उस कंपनी के दरवाजे पर पहुंच गए, जो सरकारी कंपनी है, और उनके अधिकारियों से बातचीत करने लगे कि आपने जो जासूसी का यंत्र बनाया है, अगर उसका मिसयूज होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, और अगर मिसयूज हो रहा है तो उन देशों के साथ आपने कैसे यंत्र को बेचा है और किन किन देशों को उस यंत्र को बेचा गया है, वो पूरी फहरिस्त दीजिए। खैर, बात भारत का नाम भी उसमें आता है और साफ तौर पर एनएसए जो इस संस्थान का नाम है जिसके जरिए ये पूरा का पूरा डील किया गया, उसके हिसाब से तकरीबन 40 देशों में 7 एजेंसियां हैं जिसको ये यंत्र दिया गया, और ये तमाम यंत्र जो हैं इन देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट बॉडी और मिलिट्री को ही दिया गया है। अब सवाल है कि भारत के भीतर ये किस एजेंसी के पास पेगागस था? दरअसल भारत के अंदर 10 एजेंसियां काम करती हैं और वो सभी एजेंसी सरकार की निगरानी में है, गृह मंत्रालय के अधीन होती है, और मौजूदा वक्त में तो पीएमओ के इशारे के बगैर कोई भी एजेंसी किसी तरीके का कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन इसराइल के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि दुनिया भर में इसराइल द्वारा बनाए गए यंत्र को लेकर जब फूटू हो रही है, दुनिया के 16 देशों के न्यूज पेपर लगातार रिपोर्ट छाप रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल ये यंत्र तो आतंक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए था, लेकिन इसके दायरे में कैसे पत्रकार आ गए, कैसे राजनेता आ गए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े ब्यूरोक्रेट्स आ गए, कैसे वो तमाम डील को करने वाले तमाम लोग भी आ गए जो दोनों देशों के बीच रक्षा से जुड़ी डील थी, और जब फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम आया तो इसराइल के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि फ्रांस उस तरीके से खामोश नहीं हो सकता जैसे भारत खामोश है। तो चार के चक्रव्यूह में आज इसी मुद्दे पर बात होगी, आखिर इस पूरे चक्रव्यूह में मुख्य भूमिका किसकी है, ये रिपोर्ट देखिए। विपक्षी दलों ने पेगागस मामले पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए एकता दिखाई, लेकिन बीजेपी अभी भी इस मामले को लेकर सफाई तो दे रही है लेकिन खामोशी के साथ। पार्टी ये दलील दे रही है कि पेगागस स्पाईवेयर मामला फर्जी है, और ऐसा तब हो रहा है जब दुनिया के तमाम जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश इसराइल और पेगागस के बनाने वाले एनएसओ ग्रुप पर दबाव बनाते हुए वैश्विक खुलासे पर उनका जवाब मांग रहे हैं। यहां तक कि खुद इसराइल ने भी हाल ही में एनएसओ का दौरा किया था। नरेंद्र मोदी सरकार अब वैश्विक लोकतंत्रों के बीच पूरी तरह से अलग थलग दिख रही है, क्योंकि उसने पेगागस के चलते मानवाधिकारों और लोकतंत्र पर हमले की चिंता को लेकर एक भी मामला नहीं उठाया। भारत ने सिर्फ एक आपराधिक एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। इसकी बहुत छोटा स्वरूप भारत में नजर आया, जबकि पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक जज की अगुवाई में जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस लोकुर हैं, एक दूसरे जज हैं जो पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, और एक कमेटी बना दी गई जो स्टेट लेवल पर है, जो नेशनल लेवल पर नहीं, और स्टेट के लेवल पर ये जासूसी यंत्र आता भी नहीं है, ये आता है सेंट्रल जांच एजेंसियों के अंदर में। इसे फर्जी मामला कहने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अदालतें इस मामले का संज्ञान ले रही हैं। वास्तव में भारत चुपचाप इजरायली कंपनी के साथ खड़ा है जिसकी छवि अच्छी नहीं है। इजरायली सरकार खुद ये कहने के लिए वैश्विक दबाव में आ गई है कि वो सरकारों की ओर से स्पाईवेयर के संभावित दुरुपयोग के मामले की जांच करेगी। इजरायल जवाब देने के लिए बाध्य है क्योंकि सैन्य ग्रेड स्पाईवेयर उसकी सरकार और उसकी ओर से दिए गए सख्त निर्यात लाइसेंस के तहत बेचा जाता है।
जहां तक भारत का मामला है तो यहां संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत निजता एवं अभिव्यक्ति के बुनियादी मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मोदी सरकार द्वारा दिया गया एक कमजोर तर्क ये है कि पेगासस प्रोजेक्ट के तहत मीडिया में जो नाम सार्वजनिक हुए हैं वो संभावित टारगेट थे। पेगासस से उनकी निगरानी करने की बात साबित नहीं हुई है। इसका सीधा जवाब ये है कि टोरंटो विश्वविद्यालय की सिटीजन लैब द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के तहत एमएनएसटी सिक्योरिटी लैब द्वारा जितने फोन का परीक्षण किया गया उनमें से 50% भारतीयों पर पेगासस के जरिए निगरानी किया जाना साबित हुआ है। इसके साथ ही और ज्यादा फोन का परीक्षण किया जा रहा है और किसी भी अदालत में साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। और यहां तक इसराइल के पत्रकार ओमर कबीर बीजेपी ने भी जिनकी रिपोर्ट का इस्तेमाल खुलासे को खारिज करने के लिए किया था उसने भी एमएनएसटी की फॉरेंसिक जांच का समर्थन किया है जिसकी कार्यप्रणाली को सिटीजन लैब में मान्यता प्रदान की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज वर्ल्ड इंडिया। कानूनी तौर पर लीक हुआ डेटा ही वैश्विक जांच का विषय होना चाहिए। भले ही डेटाबेस का एक छोटा सा नमूना पेगासस का संक्रमित साबित हो पाया है, इस आधार पर स्वाभाविक रूप से पूरा डेटाबेस की जांच भी की जानी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने शुरू से ही लीक हुए डेटा को फर्जी बताने की कोशिश की थी, लेकिन उनको निराश करते हुए एनएसओ ग्रुप के फॉरबिडन स्टोरीज को भेजे गए एक पत्र में इस डेटाबेस का संज्ञान दिया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं है इसमें शामिल सभी नाम पेगासस क्लाइंट्स द्वारा ही चुने गए हो, वो अन्य कामों के लिए भी हो सकते हैं। हालांकि कंपनी ने ये भी बताया कि अन्य कार्य क्या हैं। अब ये सवाल है कि एनएसओ समूह जिसका मुख्य व्यवसाय साइबर हथियार जैसी क्षमताओं को स्पाइवेयर की आपूर्ति करना है वो अपने किसी भारतीय ग्राहक को ऐसी क्या अन्य सेवाएं प्रदान कर सकता है जो विपक्षी नेताओं पत्रकारों नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं सेना और संवैधानिक अधिकारियों के नाम भेजता है। निश्चित रूप से श्रेणी के लोगों को साबुन या टूथपेस्ट खरीदने के लिए एनएसओ समूह के किसी भारतीय ग्राहक द्वारा सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। कानूनी तौर पर लीक हुआ डेटा ही वैश्विक जांच का विषय होना चाहिए। भले ही डेटाबेस का एक छोटा सा नमूना पेगासस संक्रमित साबित हो पाया है, इस आधार पर संभावित रूप से पूरे डेटाबेस की जांच की जानी चाहिए। इसीलिए डेटा अपने आप में ही कानूनी स्रोत सामग्री के रूप में काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर केवल वास्तविक जांच से ही पेगासस के उपयोग के सही स्तर का पता चलेगा। पत्रकारिता संस्थान अपने संसाधनों के चलते सीमित होते हैं और इसके इन्वेस्टिगेशन साक्ष्यों के आधार पर किसी बड़े अपराध का संकेत देते हैं। विश्वसनीय और मजबूत इरादे वाली सरकारों से इस मामले की जांच करने की चुनौती स्वीकार करने की उम्मीद की जा रही है जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों के मूल को ही प्रभावित करता है और कई लोकतांत्रिक सरकारें सही कदम भी उठा रही हैं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अपने ही छोटे से बुलबुले में संतुष्ट है और इसे फेक न्यूज करार दे रही है। ये सरकार वास्तविकता से इतनी दूर है कि इसने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया कि उसने इजरायली कंपनी से पेगासस स्पाइवेयर खरीदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले पर चुप्पी साध रखी है क्योंकि किसी दिन कोई सुरक्षा अधिकारी भारत के पेगासस के उपयोग को लेकर खुलासा कर देगा। इसके उपयोग को स्वीकार करने का तथ्य आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का भी उल्लंघन होगा क्योंकि सरकार ने खुद संसद में कहा है कि कुछ देश स्पाइवेयर का उपयोग करते हैं जो यदि कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो ये अपराध नहीं होगा। बेशक बीजेपी के रविशंकर प्रसाद बस इतना ही कहने से रुक गए थे कि भारत ने भी स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया था, नहीं तो ये एक खुला रहस्य प्रतीत होता है। ये सारी कहानी मानसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मानसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। एक संस्था का नाम आया है वायर। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, वह है अपनी जगह पर, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानियां
गलत पाई गई। ये जानबूझकर मॉनसून सत्र के समय सदन को डिसरप्ट करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश है, और इसका एक कारण है। इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी सिमट रही है, कांग्रेस पार्टी हार रही है। पंजाब में क्या ड्रामा चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, रोज आपको टीवी को दिखा रहे हैं। अब तो राजस्थान में भी कांग्रेस के नेता ही आरोप लगा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री पर कि हमारा फोन टैप हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। वहां उनके झगड़े रज नहीं रहे हैं, वहां उनकी स्थिति और परेशानी में हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी जितने चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ स्थानीय निकाय के चुनाव में, उस पर चर्चा भी नहीं करने की जरूरत है। तो जब ये सब जला तो एक नया फ्रंट खोलो, यह है पूरी कहानी। तो इसकी हम जबरदस्त रूप से निंदा करते हैं। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस हैज कम दैट इन दिस इंटायर पिगासस स्टोरी देयर इज एनी लिंकेज ऑफ द गवर्नमेंट और द भारतीय जनता पार्टी। एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है। कैन वी डिनाई दैट बॉडीज लाइक एमनेस्टी हैड ए डिक्लेयर्ड एंटी इंडिया एजेंडा इन मेनी वेज? और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। सच्चाई है कि नहीं है? जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश से आता है, कृपया करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार बताइए, वे वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन इंडिया। दोज हु हैव ब्रोकन द स्टोरी देमसेल्फ डिड नॉट क्लेम दैट द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर इन द डेटा बेस डज नॉट कंफर्म इन्फेक्टेड विथ पेगासस। वो एनएसओ जो पेगासस के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो भारत को इसके माध्यम से टारगेट क्यों किया जा रहा है? भले ही बीजेपी इस मामले को देश में दबा दे, लेकिन वैश्विक स्तर पर बात काफी आगे निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। पेगासस जासूसी कांड की जांच अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मुद्दे को नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला माना है और तय हो गया है कि याचिका पर अब सुनवाई की जाएगी। जासूसी कांड को लेकर संसद में पिछले दो हफ्तों से हंगामा लगातार जारी है। वहीं अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश में सरकार और विपक्षी नेताओं से बात करेंगे और अभी तक पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की अनुमति के लिए विपक्षी सदस्य संसद के दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दे रहे हैं, जिसे अध्यक्ष खारिज कर रहे हैं। वहीं मॉनसून सत्र की कार्यवाही का कल 10वां दिन था, जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। अगस्त के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी कांड को नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला मुद्दा मानते हुए इस पर दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है। CJINV रमना ने अगस्त के पहले हफ्ते में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। सरकार क्यों नहीं दे सकती जांच के आदेश? विपक्ष चारों तरफ से सरकार को जासूसी कांड पर घेर रहा है। शिवसेना मुखपत्र सामना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जासूसी कांड पर जांच पैनल बनाने की जमकर तारीफ की और पूछा कि अगर फ्रांस सरकार जांच के आदेश दे सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं।
19 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन पहले दिन से ही जासूसी कांड का बवाल गतिरोध की वजह से बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में डेटा लीक के हवाले से दावा किया गया था कि 300 से ज्यादा भारतीय मोबाइल फोन नंबर इजरायली फर्म NSO के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके निगरानी के लिए संभावित लिस्ट में थे। वहीं इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार जब तक तैयार नहीं होगी तब तक संसद में गतिरोध खत्म नहीं होगा। Honorable Speaker sir, the report itself clarifies that presence of a number in the list does not amount to snooping. Honorable Speaker sir, now let us examine what the NSO, the company which owns the technology, has said. I hope NSO group believes that claims that you have provided with are based on misleading interpretation of leaked data from basic information such as XLR lookup services, which have no bearing on the list of the customer's target or Pegasus or any other NSO product. Such services are openly available to anyone, anywhere and anytime, and are commonly used by governmental agencies as well as by private companies worldwide. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that the use of the data somehow equates to surveillance. I highlight, sir, NSO has also said that the list of countries shown using Pegasus is incorrect. And many countries mentioned are not even our clients. It also said that most of its clients are Western countries. It is evident, Honorable Chairman Sir, Speaker Sir, that NSO has also clearly rubbished its name in the report. Honorable Speaker Sir, let us look at India's established protocol when it comes to surveillance. I am sure my colleagues in the opposition who have been in government for years are very well aware of these protocols. Since they have governed the country, they would also be aware that any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions. सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि संचार मंत्री ने जब इस मुद्दे पर दोनों सदनों में विस्तृत बयान दिया तब विपक्ष उस पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। विपक्षी पार्टियां चाहे तो इस मुद्दे पर अब भी संचार से उनके बयान को लेकर स्पष्टीकरण मांग सकती हैं। उन्होंने कहा कि पेगासस विवाद कोई मुद्दा ही नहीं है और सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रख्यात लेखकों, पत्रकारों, वकीलों और कार्यकर्ताओं सहित 500 से ज्यादा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना को पत्र लिखकर मिलिट्री ग्रेड के पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल से देश के कई नामचीन लोगों के मोबाइल फोन के संभावित सर्विलांस के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। की रिपोर्ट देखिए। पेगासस प्रोजेक्ट केंद्रीय मंत्रियों, 40 से ज्यादा पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, एक मौजूदा जज और कई कारोबारियों और कार्यकर्ताओं सहित 300 से ज्यादा भारतीयों के फोन नंबर की लीक डेटाबेस पर आधारित है जिनकी पेगासस से हैकिंग की गई या फिर वो संभावित रूप से निशाने पर थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पत्र का अरुण रॉय, अंजलि भारद्वाज, कविता कृष्णन और हर्ष मंदर जैसे कार्यकर्ताओं ने ये पत्र लिखा है और इसमें हस्ताक्षर भी किए हैं। इन लोगों ने इस खुले पत्र में चार प्रमुख सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो केंद्र सरकार को इनका जवाब देने का निर्देश दे। पत्र में किए गए चार सवाल: क्या किसी भारतीय इकाई ने पेगासस खरीदा था? अगर हाँ तो वो इकाई कौन सी थी और इसके लिए भुगतान किस तरह किया गया? अगर इसे वास्तव में खरीदा गया तो संभावित हैकिंग के लक्ष्यों का चुनाव किस तरह किया गया और हैकिंग से मिली सूचना का क्या उपयोग किया गया? इस तरह के लक्ष्यों के चुनाव का औचित्य क्या था और उन्हें किस संवैधानिक प्राधिकरण के समक्ष पेश किया गया? किस संवैधानिक प्राधिकरण ने पत्रकारों, नेताओं, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और शिक्षा से जुड़े लोगों सहित अन्य व्यक्तियों की निजता के आपराधिक उल्लंघन की निगरानी या समीक्षा की ताकि इन्हें पेगासस की संभावित सर्विलांस सूची में शामिल किया जा सके?
इस पत्र में विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी द्वारा पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न का मामला उठाया गया है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने दुख जताया कि यौन उत्पीड़न पीड़िता को कथित तौर पर सर्वलायंस की सूची में रखा गया। इसके साथ ही गोगोई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जाँच की वैधता पर भी सवाल उठाए गए। पत्र में स्पाईवेयर हमलों के बारे में कहा गया कि हमें उम्मीद है कि आपका कार्यकाल इस मामले पर संज्ञान लेने में ज्यादा समय नहीं लेगा और हमारे अधिकारों स्वतंत्रता की रक्षा करने और एक संस्था के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता की रक्षा करने और हमारे संविधान की रक्षा करते हुए केंद्र सरकार से समय पर जवाब मांगेगा। बीते लगभग एक हफ्ते से एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम लगातार पेगासस सर्वेलेंस को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय मंत्रियों 40 से ज्यादा पत्रकारों विपक्षी नेताओं एक मौजूदा जज कई कारोबारियों कार्यकर्ताओं सहित 300 से ज्यादा भारतीयों के मोबाइल नंबर उस लीक किए गए डेटाबेस में शामिल थे जिनकी पेगासस से हैकिंग की गई या संभावित रूप से निशाने पर थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दें जांच दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा लीक हुए मोबाइल नंबर पर केंद्रित थी जिनकी इसराइल के एनएसओ समूह के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए सर्वेलेंस की जा रही थी। इसमें से कुछ नंबरों पर एमएनएसटी इंटरनेशनल ने फोरेंसिक जांच भी की जिसमें ये साबित हुआ कि उन पर पेगासस स्पाईवेयर से हमला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। वहीं भले ही बीजेपी सरकार पेगासस मामले पे वो संतुष्ट जवाब नहीं दे रही जो तमाम विपक्षी पार्टियों को चाहिए, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय है और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। चुनाव जीतने के लिए वो सभी हथकंडे अपना रहे हैं। एक तरफ जहां पार्टियों की नजर ब्राह्मणों को लुभाने पर है तो वहीं मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की जा रही है। बता दें यूपी में 20% मुस्लिम वोटर हैं जिनका सूबे में 403 विधानसभा सीटों में से 120 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। जिसकी तरफ वो झुकेंगे उसकी जीत निश्चित है और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों में इन्हें अपने पाले में करने के लिए खोड़ मची हुई है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे देखते हुए सपा बसपा और कांग्रेस सभी पार्टियों ने मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने एक तरफ जहां इमरान मसूद को दिल्ली का सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव का पद दिया है तो वहीं इमरान प्रतापगढ़ी को अल्पसंख्यक मोर्चे का चेयरमैन बना दिया गया जिसके जरिए मुस्लिमों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि उनकी असली शुभचिंतक कांग्रेस ही है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले कई सालों से यूपी का मुसलमान समाजवादी पार्टी पर भरोसा करता रहा है लेकिन सत्ता में आने के बाद वो इन्हें भूल जाती है और केवल एक जाति विशेष पर ध्यान देती है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में ही मुसलमान सुरक्षित रह सकता है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मुस्लिमों को अपनी तरफ करने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने लालजी वर्मा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके स्थान पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को भी यूपी विधानमंडल दल का नेता नियुक्त किया गया है। मायावती ने ऐलान किया कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी को साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें मिली थी लेकिन उपचुनाव में वो एक सीट हार गई। इसके अलावा उसके 9 विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया जबकि 2 विधायकों को मायावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब बसपा के कुल 7 विधायक ही बचे हैं और सूत्रों के मुताबिक मायावती इस बार 90 से 100 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती ने 97 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा किया था और उन्हें टिकट दिया था। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के पीछे का मकसद मुसलमानों में ये संदेश देना था कि उनकी असली शुभचिंतक सपा ही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा किया था और उन्हें टिकट भी दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के पीछे का मकसद मुसलमानों में ये संदेश देना था कि उनकी असली शुभचिंतक सपा ही है। इसके अलावा पार्टी के सांसद एसटी हसन के एक बयान
इसके अलावा पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शरीयत में छेड़छाड़ की, जब से लोग आपदा का शिकार हो रहे हैं। उनके इस बयान को भी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। सपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 67 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। AIMIM भी मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए पूरी जी जान से जुटी हुई है। और अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए, जिस तरह से विपक्ष मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए जुटा है, उससे मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे और इसका फायदा उसे विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इसके अलावा बीजेपी योगी सरकार के कामकाज का ब्यौरा भी जनता के सामने रखेगी और विकास के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चार का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।